अब इसको कौन साफ करेगा? एक बार पूरा घर देखिए। और मुझे खुशी बहुत है कि गोभी के पराठे भी बन गए फाइनली। जहाँ पे दो चीजों से मिली ढेर सारी खुशियाँ, वहीं पे ट्विंस ने तो आज नाच नचा दिया। लग रहा था कि ये मेस जो है कभी क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज का ये धमाल वाला व्लॉग शुरू करती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लव इन लाइफ विद माला। फ्रेशको से कुछ सामान आया था, वही डेली बेसिस का, तो उसको सैनिटाइज करके मैंने रख दिया था। तो अब बच्चे उनको टेबल पे लेआउट करके रख रहे थे। व्हाट इज इट नंदू? बॉक चाय। माय भीम। यस वाओ। मुझे लगता है कि घर के इन डेली चोर्स में ना बच्चों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत भी हो तो होना चाहिए। इस बात के साथ हर लेडी या हर माँ जो है रिलेट करेगी, जब आपका फैमिली मेंबर या आपके बच्चे आपके कामों में हाथ बटाए, छोटा ही काम क्यों ना हो, तो आपको बहुत खुशी होती है ना? आज 1, 2, 3, 4, 5 पैकेट राइस, बिकॉज राइस में अच्छी डील मिल गई है। एंड ऑल दिस, ये तो डेली का सामान है। जो मैं आपको चीज दिखा रही हूँ वो है, दोज हु आर इनटू कॉन्स्टिपेशन, जिनका बाल क्लियर नहीं होता है, प्लीज हैव फिग्स। डेफिनेटली आई गॉट अ फिग का जैम आल्सो। दिस इज 50% फ्रूट लिखा हुआ है इसमें, तो आई गॉट दिस आल्सो। और आदोर जो है ना वो मेरा रिमाइंडर क्लॉक आप बोल सकते हैं। जो मैं भूल गई हूँ या मेरी कोई चीज कहाँ रहती है, शी नोस। तो पीनट बटर बंकू और नंदू को नहीं मालूम, बट उसको ठीक मालूम है कहाँ रहता है। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने रखने के बाद अब बारी थी यस कोट रैक बेंच को असेंबल करने की। तो यहाँ पे मैं वो करूंगी, इसलिए मैंने ये जगह जो है साफ की। और यहाँ पे हर चीज़ जो है, जब वो आइकिया का हो या कहीं से भी आए, आपको तो खुद ही फिट करना होता है। तब मेरे को ना इंडिया के वो जो कारपेंटर भैया को फ़ोन करके हम लोग असेंबलिंग करवाते थे, वो बहुत याद आता है। एनीवेज, अब तो आदत हो गई है। पहले शुरू में ना बड़ा मुश्किल लगता था, कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट बुक्स में ना सारा कुछ अच्छे से पिक्चर्स और नंबरिंग करके ये लोग देते हैं, तो समझने में मुश्किल नहीं होती है कौन सा नेल कहाँ लगेगा। वो अल्फ़ाबेट पैकेट में करके दे देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बट देन टू, इट इज़ अ tiresome work. एक बार तो पूरा ना ये वाला गलत लग गया था स्टैंड, तो उसको फिर निकाला। वो वाला पार्ट बहुत दर्दनाक होता है, जब आप लगा देते हो और वो गलत बैठता है, फिर उसको खोल के आपने निकालना होता है। तो एक बार हमारा गलत हो गया था, बट देन टू वी डिड इट। वही मैं आपको बोल रही थी ना, अब तो हर चीज में प्रो होती जा रही हूं कि ये भी लगा दूंगी, वो फिट कर दूंगी, ये फर्नीचर फिट हो जाएगा। एनीवेज, पता है मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना देती है कि ये चीज़ भी हम लोग कर लेंगे। तो ये एक चीज़ अच्छी है वैसे, किसी पर आप यू नो डिपेंडेंट नहीं हो। एंड विद दिस, तड़ा, लग गया मेरा कोट रैक बेंच। बताइएगा जरूर कैसा लगा। और तब तक यहाँ देखिए, मैं सच बताऊं इस वक्त मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी ये देखकर। यू आर वाओ, आई लव यू। Oh wow! Play. देख लीजिए, जब तक हम लोगों ने वो कोट स्टैंड लगाया है, what they have done? Some productive work. Is this productive work? देखिए यार मजुमदार, इस तरह तीनों को इन्होंने स्पॉइल किया हुआ है, बंकू को भी। मैं आपको दिखा रही हूँ, इन लोगों ने पूरे घर में स्नो फैलाया है और खेला। मूव आदोर, दैट्स वेरी रॉन्ग। देखिए, घर में स्नो ग्लव्स पहन के, हे भगवान। अब इसको कौन साफ करेगा? एक बार पूरा घर देखिए। No. स्टैंड की खुशी में थोड़ा सा हंस लेते हैं। यस,
ये कोट स्टैंडी हटसन बे से लिया है और ये पीछे का मून टेपेस्ट्री वगैरह मैं देखती हूँ हटा दूंगी। तो अब इसकी खुशी में बनाते हैं गोभी के परांठे और ठंड में खाते हैं। बट देखिए पूरा इन लोगों ने ना फैला के रखा, हे भगवान। यहाँ से देखिए आप लोग कितनी बदमाशी करते हैं ना ये लोग। पूरा इन्होंने स्नो बनाया हुआ है बताइए, और ग्लव्स मफलर सब लेके। गाइस दिस इज स्नो, दिस इज स्नो स्टॉर्म, दिस इज स्नो स्टॉर्म। इसको साफ करने में इतना टाइम और पता है क्यों लगा? जितने बार उसको हम लोग असेंबल कर रहे थे उड़ उड़ के वो और बिखर रहा था। बोलते हैं ना नानी याद आना, सच में ये ऐसा ही काम इन लोगों ने किया है। ये ना इतना बदमाशी करते हैं ना। बताइए गोभी का परांठे के लिए गोभी का मसाला बनाओ कि ये देखकर देखिए पूरे घर में स्नो किया हुआ है। वो पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा होगा। थर्माकोल लेकर गए थे, मुझे लगा थोड़ा बहुत ऐसे से तोड़ के खेलेंगे। एक एक निकाला उसमें से, देखिए अभी तो एक लॉट डाला है यार मजुमदार ने। यार मजुमदार बोल रहे दिस इज अ ग्लोरियस पेस, बताइए। यार मजुमदार जब तक सफाई कर रहे थे तो चलिए मैं आ गई किचन में, बना लेते हैं गोभी का परांठा। गोभी को पहले ग्रेट करके थोड़ा सा उसमें पानी डालकर नमक डाल के मैंने माइक्रो में 2 मिनट के लिए उसको ब्लांच कर लिया, फिर उसको स्क्वीज करके एकदम ड्राई वे में निकाल लिया। अब डाला पैन में मैंने बटर, आप घी डालिएगा, मेरे पास घी नहीं था तो मैंने बटर में बनाया। उसमें डाला थोड़ा सा हींग और जीरा, जब जीरा तड़कने लगा तो उसमें डाला हल्दी और ये जो ब्लांच्ड गोभी थे उनको मैंने डाल दिया। अब इसमें डाला 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक, आप सौंठ भी डाल सकते हैं, और डाला नमक और गरम मसाला। दैट्स इट, यही मेरे स्टफिंग का स्पाइसेस रहता है। और इसको किया अच्छे से मिक्स। अब स्टफिंग को एक बोल में डालकर ट्विंस का मैं अलग कर दूंगी क्योंकि वो लोग तो मिर्च नहीं खाएंगे, और हमारे वाले में मैं तीखा ऐड कर दूंगी। तो ये ट्विंस का मैंने अलग से सेपरेट करके निकाल लिया, और हमारे वाले में मैंने रेड चिली फ्लेक्स मिलाया, आप चाहे तो हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। और इसमें डाला 1 टीस्पून के बराबर आमचूर पाउडर। बस आपका गोभी परांठा का ये बहुत ही यमी स्टफिंग इज रेडी। अभी 1/3 हुआ है, सोफा वगैरह के अंदर भी घुसाया था, यहाँ पे एक डॉगी बैठा रहता है, डॉगी के ऊपर भी स्नो से खेला था। ये लोग इतने बदमाश हैं, देखिए हंस रहे हैं। अभी आधा हुआ है, गोभी का मसाला हो गया है रेडी। मैंने उसको थोड़ा सा फ्रिज में रखा है ताकि ठंडा हो जाए। अभी आटे को थोड़ा सा मोइन और नमक और अजवाइन से गूंदूंगी, और वही मैं बोल रही थी कि आज फ्रेशको गई, वहां से सामान लाया वो रखा, कोट स्टैंड पूरा लगाया, उसकी भी थकान नहीं, इसको देख के मुझे थकान लग रहा है। अभी आप इस ये देख लीजिए, अभी यहाँ पर इतना है, देन ये देखिए इस ये लॉबी तो पूरा भरती है अभी। 2000 years later यस, आर्टिफिशियल स्नो ब्लिजर्ड मिशन इज कम्प्लीट। अभी 9:25 हो रहे हैं, 8:45 से झाड़ू लगा रहे थे, सोचिए ये लोग इतना गदर मचाते हैं। ये क्रिएटिव हेड इज तितिर, नंदू इज मैं हूँ ना तेरे साथ, टीम स्पिरिट। तुम लोग तब ऐसे चुपचाप करके नहीं देख सकते थे हाँ, तब गदर मचाना था। ये मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, फिर चलते हैं गोभी पराठा बनाने। आईवी आया है ना आपको, तब मैंने जस्ट टेबल पे रख के दिखाया था। सो आटा हो गया गूंद के, इसमें अजवाइन कलौंजी और मोइन दिया मैंने बस, और मेरा मसाला भी हो गया है ठंडा एकदम। तो अब मैं सारी लोइयां पेड़े सब मैं पहले ही कर लेती हूँ, आपको मैं बताती हूँ ना, मैं सारे एक साथ भर के भी मैं रख देती हूँ ताकि मैं तब सिर्फ बेलूं और सेकूं, इससे ना टाइम बहुत सेव होता है। आप एक एक करके करेंगे तो थोड़ा सा वो कम्बरसम हो जाता है, और मेरे आप लोगों को तो मालूम ही है मेरे को स्टफिंग ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं एकदम भर के स्टफिंग करती हूँ। और इस स्टफिंग में ना आप धनिया पत्ती भी ज़रूर से दीजिएगा, मेरे पास थी नहीं, वो और अच्छी लगती है। और ये देखिए मेरी लोइयां सब रेडी, अब बस एक एक करके सेको और गर्मा गर्म बच्चों को, फैमिली को, खुद सबके लिए पेश करो। तो ये गर्मा गर्म गोभी के पराठे हो गए रेडी। सो मेरे व्यूअर्स जो और सब्सक्राइबर्स जो लोग मुझे बोल रहे थे, ये देखिए पतली पतली क्रिस्पी गोभी के पराठे आप सबके लिए, नोश फरमाइए। ट्विंस को
दे दिया मैंने। फाइनली गोभी के पराठे बने। तो एवरी वीक यू नो आई एम थिंकिंग इधर ट्यूजडे या थर्सडे, क्योंकि वेजिटेरियन डे होता है, कि बनाऊं, बट बन ही नहीं रहे थे। और मेरे ना ये गोभी के पराठे के इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे खराब लग रहा था कि, और एक मेरा मतलब एक मेरा मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, वो तो किसने कितने बार जो मुझे मैसेज किया कॉलीफ्लावर पराठा। तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं तो ना ये आर्टिफिशियल स्नो ब्लिजर्ड के बाद आई वॉज लिटिल, मैं टायर्ड हो गई थी। मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, कुछ और कर देती हूँ, चावल वगैरह जल्दी से बैठा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, आज मैं जरूर से करूंगी ये गोभी के पराठे। तो आज ये गोभी के पराठे मेनली डेडिकेटेड है मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस की थी ये गोभी के पराठे की। स्पेशली एक और जो है वो है मेरी ननद, उन्होंने मुझे बहुत बारी बोला था कि माला गोभी के पराठे का रेसिपी बताओ। साथ में बनाया है इसके योगर्ट में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्यूकुम्बर, ये सब देके डिप टाइप का। तो ये रहा इनका प्लेटर। आज तो ना ट्विंस की बदमाशी एकदम चरम सीमा पे है, देखिए आप। और लाफिंग बुद्धा को देखिए। सब लोग बताओ। इसको भी कर लेती हूँ। आज मिशन accomplished ऑफ क्लीनिंग आर्टिफिशियल स्नो ब्लिजर्ड, कोर्ट स्टैंड फिक्सिंग एंड कॉलीफ्लावर पराठा, ये तीन चीज। चलिए अब व्लॉग खत्म किया जाए। सो क्या कहना है? आज की वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी, दे दीजिएगा लाइक, करिए शेयर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब ये गोभी के पराठे यमी यमी विंटर स्पेशल बना सके। और जिनको वो कोट स्टैंड पसंद आया है, ये हटसन बे से लिया है, अगेन आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग, तो आप लोग देख सकते हैं। और ट्विंस की बदमाशी तो यूं ही बरकरार रहेगी। सो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन चाचा बाय बाय बाय। लव एंड लाइट विद माला, खुश रहिए, बाय बाय। तो आज ओट्स की रोटी है कैंसिल, क्योंकि गोभी का पराठा बुला रहा है। माला इधर देखो, इधर देखो। इसको जरूर से ट्राई करिएगा। और मेरे जो अदर पराठे वाले जो मेरी रेसिपीज हैं, मैं यहाँ आई कार्ड में दे दूंगी, एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी। उसका इतिहास है वो मेरे सब्सक्राइबर फैमिली बता ही देंगे, जिन्होंने ट्राई किया और वो ट्राई करते रहते हैं झटपट यमी वाली रेसिपीज, स्पेशली स्टफ पराठे की। बट ये गोभी पराठा तो सुपर्ब।